वेलकम टू कॉर क्लासेस स्टूडेंट, आज ये वीडियो है FST 1 फाउंडेशन कोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके हम अब तक 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, द गोल्डन एज ऑफ साइंस इन इंडिया। ये जो वीडियो है ये BA, BCom और BSc स्टूडेंट सभी के लिए कॉमन वीडियो है, और इस वीडियो का फायदा ये तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स उठा सकते हैं, क्योंकि ये सभी तीनों कोर्सेज के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये इसीलिए अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब हम शुरू करते हैं इसके MCQs क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन 17th सेंचुरी व्हाट वॉज द मेजर पावर, मेजर पावर कौन सी थी, मगधा। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट ग्रेट मौर्यन, लास्ट ग्रेट मौर्यन कौन से थे, अशोका। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज द पीरियड ऑफ एम्पायर ऑफ अशोका, अशोका पीरियड क्या था, अबाउट 274 टू 236 BC। फोर्थ क्वेश्चन, What were the two types of agriculture land during Ashoka Empire? दो types की agriculture land थी जिसके नाम क्या थे, एक तो थी सेमी autonomous land, दूसरी थी सीता लैंड। सेमी autonomous का मतलब था कि आधा हिस्सा गवर्नमेंट का होगा, आधा उस जिसकी भी लैंड होगी, जिसकी वो जमीन होगी उसका आधा हिस्सा, आधी मलकियत उस उसकी होगी, उस फार्मर की होगी, और बाकी आधा हिस्सा जो होगा उस गवर्नमेंट के लिए होगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट स्टेट एंड पॉलिसी डिस्क्राइब, इस एक जो स्टेट और पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे वो स्क्रिप्ट का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6, बाय हुम अर्थशास्त्र वॉज रिटन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पहले भी क्वेश्चन आया है लेकिन इस क्वेश्चन इस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किसने लिखी थी, कौटिल्या के द्वारा लिखी गई थी, वो कौन थे, द ग्रेट मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू स्क्रिप्चर्स आर इन गॉड्स रिटन बाय ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन्स के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, लिस्ट द टॉटमिक डाइटीज, टॉटमिक जो लोग थे वो उस ग्रुप के लोग किसकी पूजा करते थे, फिश, टोर्टोइस, मंकी, बुल एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द न्यूली क्रिएटेड ट्राइब्स, ट्राइब्स बहुत सारी थी लेकिन उस दौरान गोल्डन एज जो बोली जाती है उस दौरान वैश्यास और सूद्रास नई ट्राइब्स बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ग्रेट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का नाम बताएं, वो था नालंदा में, तो ग्रेट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन नालंदा। क्वेश्चन नंबर 11, What were the developments in the technology in Mauryan Empire? Mauryan Empire के दौरान क्या क्या development हुई थी, किस area में हुई थी, वो थी military machines. Question number 12, What was the reason of shifting of power from northwest to the Magda? ऐसा क्या reason था कि जो power थी वो northwest से transfer हो गई और वो Magda तक shift हो गई, वो क्या थी, क्योंकि उस दौरान आयरन, कॉपर, टिन, लेड और ऐसे बहुत सारे जो मेटल से उसकी डिमांड बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 इज, व्हाट वाज द नेक्स्ट एम्पायर टू अशोका, अशोका के बाद जो नेक्स्ट एम्पायर था वो कौन था, कुशनास। क्वेश्चन नंबर 14 इज, नेम किंगडम्स ऑफ सदर्न इंडिया, किंगडम्स के बारे में बताएं, वो है सतवाहनास, क्षत्रपास एंड वक्ताकास। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वॉज द डेवलपमेंट इन आयरन टूल्स एंड आर्ट फैक्ट्स इन द साउथ इंडिया, कौन सी डेवलपमेंट हुई थी, लेडल्स बनाए गए थे, रेजर्स, एक्सेस, होज, सिकल्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज, व्हाट वर द एरियाज वेयर आयरन टूल फाउंड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो आयरन टूल मिले थे वो उस एरिया, साउथ इंडिया में वो एरियाज कौन से थे, करीमनगर, नालगोंडा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर द मेटल्स फाउंड ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड, उस दौरान कौन से मेटल मिले थे, जिंक, ब्रास, एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 18,
समुद्रगुप्ता कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट किंगडम्स, लेकिन कहां? वैलीज ऑफ गंगा, नर्मदा, महानदी. क्वेश्चन नंबर 19 इज इंटरनल ट्रेड वॉज ऑगमेंटेड बाय कुशनास, द सतवानास, द गुप्तास. क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियंस ट्रेडेड विद, इंडियंस का जो ट्रेड हुआ था वो किस 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 देश के साथ हुआ था? रोम, अफ्रीका, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका. क्वेश्चन नंबर 21, हु वर नोन एज मैथमेटिशियंस एज वेल एज एस्ट्रोनोमर्स ऑफ गुप्त पीरियड? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट. क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट द वर्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ जैन्स. स्थनंग सूत्र, सूर्य प्रजनापति, भद्रभावी संहिता, क्षेत्र संस बाय ओमस्वती. 23, व्हाट वर द फॉर्मूलाज फाउंडेड बाय जैन्स? कौन से फॉर्मूला थे? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द फाउंडेशन इन गुर्जरा ग्रांट प्लेट? वो क्या थे? डेसिमल और जीरो सिस्टम. 25th क्वेश्चन, सिफर और जीरो वाज एक्सप्रेस्ड बाय ख, अक्स, अंबर, शून्य. क्वेश्चन नंबर 26, वन वाज एक्सप्रेस्ड बाय भू, धारा, पृथ्वी आदि. क्वेश्चन नंबर 26, टू वाज एक्सप्रेस्ड बाय यमा, अश्विन, पक्ष, कारा. क्वेश्चन नंबर 27, थ्री वाज एक्सप्रेस्ड बाय गुना, जगत, अग्नि, राम. क्वेश्चन 28, फोर वाज एक्सप्रेस्ड बाय वेद, समुद्र. क्वेश्चन नंबर 29, फाइव वाज एक्सप्रेस्ड बाय भूतस, इंद्रिया, सारा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, 14400 वाज रिटन एज ख, ख, वेदा, समुद्र, सितारा, समया. क्वेश्चन नंबर 31, द क्रेडिट वाज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टू आर्यभट्ट. क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्मगुप्त साइंटिस्ट प्रोक्लेम्ड इन ब्रह्मास्पुत सिद्धांता. क्वेश्चन नंबर 33, गिव वर्क्स इन एस्ट्रोनॉमी बाय आर्यभट्ट वाज द अर्थ रोटेट्स एंड द हेवन आर स्टिल. आर्यभट्ट के द्वारा यह बताया गया था कि जो अर्थ है अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेट करती है, एंड द हेवन आर स्टिल. क्वेश्चन नंबर 34, गिव वर्क्स इन एस्ट्रोनॉमी बाय वराहमिहिरा. उनके द्वारा क्या बोला गया था? अर्थ इज मोशनलेस एंड द सन, मून एंड द प्लैनेट्स मूव अराउंड इट. क्वेश्चन नंबर 35, गिव वर्क्स इन एस्ट्रोनॉमी बाय ब्रह्मगुप्त वाज इक्लिप्सिस आर कॉज्ड बाय राहु एंड केतु. तो इसके साथ ही हमने 35 क्वेश्चंस किए हैं. जितने भी इसके इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो दिसंबर में क्वेश्चन आए थे 2019 में, उस एमसीक्यूज क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और इसके जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते थे हमने बनाए हैं. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी. अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें. और बीए स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट्स और बीकॉम स्टूडेंट्स तीनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इन सभी के लिए ये कॉमन है और एग्जाम के लिए आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस. थैंक यू.